दिग्रस शहर के सड़कों पर बारिश के पानी से लबालब गड्ढे शहरवासियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। कथित जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं और नगर पालिका प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। स्थानीय पालिका प्रशासन की अनदेखी से शहर की सड़कों पर फैला गड्ढों का जाल बारिश के मौसम में राहगीरों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों के रास्तों से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कों के अनगिनत गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से दुपहिया चार पहिया वाहन चालकों सहित आम राहगीरों को मानो जैसे नरक यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पुराने आर्नी नाका पुल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्केट रोड, कच्ची चौक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, मानोरा चौक, पुराना पेट्रोल पंप, इन सभी इलाकों की प्रमुख सड़कें अपनी बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है, जिस वजह से इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीर जान का जोखिम उठा रहे हैं। बाजारों और शहर की प्रमुख सड़कों की खस्ता हालत से शहर के नागरिकों में घोर निराशा है। नमस्कार, मी धर्मेश शाह, माझं दुकान मौलाना अब्दुल कलाम आझाद मार्केटमध्ये आहे आणि आता नवीन रुजू झालेले मुख्याधिकारी साहेब यांना माझी विनंती आहे की हॉटेल यादगारपासून तर आंबेडकर पुतळ्यापर्यंतचा हा रस्ता इतका गड्डे झाले आहे, रस्ता पूर्ण नाद तुटलेला आहे, जागोजागी पाणी साचलेला आहे, रस्त्यावर चालताना खूप अडचण होतात आणि कधी कधी ॲक्सिडेंट पण होतात आणि इथे भांडणं पण होतात, त्यामुळे रस्ता फार फार पूर्ण उखळलेला आहे आणि सर्व गिट्टीवरती आलेली आहे आणि रहदारीला खूप अडचण होत आहे, त्यामुळे आलेल्या नवीन मुख्याधिकारी साहेबांनी रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी पावले उचलावी ही विनंती। नमस्कार, धन्यवाद। कच्ची चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, मानोरा चौक आदि जगहों पर बदहाल सड़कों की बदौलत ट्रैफिक जाम से लोग त्रस्त हो रहे हैं। शहर के पालिका प्रशासन के अंतर्गत आने वाले खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी वैसे तो स्थानीय पालिका प्रशासन की है, लेकिन पालिका प्रशासन कुंभकर्णीय नींद की गर्त में डूब चुका है, इसीलिए इन खराब सड़कों पर गिट्टी, चूरी आदि डालकर राहगीरों को अस्थायी रूप से ही सही सुविधा प्रदान करने तक का उसे ख्याल नहीं। ऐसा लगता है कि नवागमित पालिका मुख्याधिकारी अतुल पंत केवल अपने कैबिन में औपचारिक रूप से हाजिरी देने पालिका आते हैं। शहर में उनके आगमन के बाद अब तक कोई ठोस कार्य नजर नहीं आ रहा। वे केवल मुख्याधिकारी पद की औपचारिकता पूरी करने यहां आए हैं। शायद शहर के भीतर के बारिश के मौसम में उपज रही विभिन्न नागरिक समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही शहर के कथित लीडर, भावी नेता और कथित जनप्रतिनिधि भी इन दिनों मानो मौनी बाबा बने हुए हैं। उन्हें शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए आवाज़ उठाने की फुर्सत नहीं है। ये बात दिग्रस वासियों के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।